स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, बात भी कह सकते हैं, एक टाइप से आपसे सजेशन भी लेना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है, जैसे मतलब भगवान जी की जो चीज़ें आती है, जो प्रोडक्ट आती हैं, जैसे कि मतलब धूपबत्ती हुई, अगरबत्ती हुई, तो उन पर भगवान जी के फोटोज़ वगैरह लगे होते हैं, जैसे साईं धूप वगैरह एक्स वाई जेड जैसे होते हैं। तो आज मैं मंदिर गया था तो मैंने देखा कि एक साईं धूप का पैकेट पड़ा था, उस पर साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी और वो क्या कहते हैं डस्टबिन में पड़ा था, वो पैकेट डस्टबिन में पड़ा था, तो बहुत बुरा लगा मुझे। तो मुझे यही मेरी वो है कि ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मैन्युफैक्चर हैं, मतलब जो बनाते हैं इस चीज़ को, उनसे मतलब मैं किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है वो अपनी उनकी मतलब सही बात है, अच्छा करके चल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है कि मतलब हम लगा रहे हैं फोटोज़ वगैरह भगवान को आगे रख के चल रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी फीलिंग्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ऐसा सही नहीं है। एक पैकेट मेरे जब मैं बाइक खड़ी कर रहा था तो वहाँ पड़ा था साईं बाबा की धूप का, और एक पैकेट डस्टबिन में पड़ा था, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए, पब्लिक को भी समझनी चाहिए, और ये मैन्युफैक्चर जो इस चीज़ को बनाते हैं उनको भी समझनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाह रहा हूँ जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ कपूर का जैसे पैकेट होता है, कपूर के पैकेट पे माँ सरस्वती की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई होती हैं, और सामग्री का जो पैकेट आता है उसमें भी बहुत भगवान के फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए होते हैं, और साईं धूप का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था, अभी बताया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये साईं बाबा का धूप का पैकेट पड़ा था और ये वाला पैकेट डस्टबिन में पड़ा हुआ था, मैंने उठाया फिर, और ये सामग्री का मैं बता रहा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब भगवान वगैरह, और ये कपूर का पैकेट जो है सरस्वती माँ का। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने अभी देखा, ये फ़ोटोज़ थे, कुछ फ़ोटोज़ मैं क्लिक करे थे, मैंने बाद में फिर उसको निकाल कर सही कर दिया था, बाहर साइड में रख दिया था, और जो पैकेट मेरे पैरों में आ रहा था बाहर पार्किंग में पड़ा हुआ था उसको भी मैंने साइड में रख दिया था। तो गलती पब्लिक की भी नहीं है, वो अगर जैसे हमारा पैकेट है, अब वो क्या करेंगे, जो धूप का पैकेट है तो उसे यूज़ करेंगे और उसे रखेंगे नहीं, भाई उनके लिए तो यूज़लेस हो गया ना वो, कि भाई हम गंदगी को क्यों रखें, ऐसे रखें, और अगर ऐसे हम रखने चले तो ऐसे हमारे पास कितने ढेर लग जाएंगे, तो ये सही नहीं है। मेरा तो यही सुझाव है कि या तो मैन्युफैक्चर जो बना रहे हैं मतलब धूप वगैरह जो इसके पैकेट्स वगैरह बना रहे हैं उस पर फ़ोटो लगानी बंद कर दें, या पब्लिक जो यूज़ कर रही है वो कलेक्ट करके सब सारे को इकट्ठा करके एक टाइम पर किसी गंगा जी वगैरह उसमें बहा दें, लेकिन वही है प्लास्टिक है तो गंगा जी भी के लिए भी हार्मफुल है, लेकिन अगर गत्ता है तो ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को ये बताया है, अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सभी को बता दिया है, तो आप जल्दी से कमेंट करिए और इस चीज़ को बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन इस पर कोई अभी मतलब ध्यान नहीं गया किसी का, या पता है तो कर नहीं पाया किसी चीज़ के, लेकिन आज मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग वगैरह करता रहूँगा। धन्यवाद।